आप आ गए तो हम भी आ गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में क्लास 8वीं का गणित प्रश्नावली 2.2 को। बहुत इजी है, बहुत मतलब कि इतना इजी है आप लोग झूठ में डर जाते हो कि सर हमें इस प्रश्नावली को करने में बहुत दिक्कत होती है। अरे भाई इसमें दिक्कत होने वाली बात ही क्या है, बहुत इजी है, बस समझोगे तो ना। चलो आज की इस वीडियो में आप लोगों को इतना अच्छे से बताने वाले हैं कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा आज के बाद। क्या बिलीव करते हो? नहीं कर लोगे, देखो तो सही। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है? क्वेश्चन पढ़ते ही पता ही नहीं चल रहा है आप लोगों को क्या है, ठीक है, पता चलेगा। बहुत इजी है, हम कह दिए ना हो कि बहुत इजी है तो है इजी, ठीक है। देखो हम पहले से क्वेश्चन लिख करके रेडी रखें, क्यों क्वेश्चन हम इसलिए लिख करके रेडी रखते हैं कि हमारा जो टाइम है कुछ बचे, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन लिखने लग जाएंगे तो टाइम बर्बाद होगा, ठीक है। चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आपको संख्या बताना है, आपको पता नहीं है, जानते हो क्या करते हैं, जब संख्या पता नहीं रहता है तो गणित है मैथ है उसे मान लेते हैं, ठीक है। चलो तो क्या करेंगे, हमें पता नहीं है तो हम कहेंगे कि माना माना वह संख्या, माना वह संख्या जो है, माना वह संख्या जो है एक्स है, उस संख्या को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, ठीक है। अब जो आपका प्रश्न कहेगा उसके अनुसार चलेंगे, इसका मतलब हुआ कि प्रश्न अनुसार मतलब जो जो प्रश्न कहेगा उसके अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो प्रश्नानुसार यानी प्रश्न क्या कहता है, अगर आपको किसी संख्या से, किसी संख्या का मतलब एक्स, इस संख्या को हमने का ही मान लिया है एक्स, 1/2 घटाने, चलो हम जो संख्या माने हैं वो संख्या है एक्स, उसमें से क्या घटाने के लिए बोल रहा है, 1/2, हमने 1/2 को घटा दिया, ठीक है। और परिणाम को 1/2 से गुणा, जब एक्स माइनस दो आया तो इसमें अब परिणाम हो गया एक्स माइनस दो, इसमें बोल रहा है कि 1/2 से आप गुणा कर दीजिए, हमने चलो गुणा भी कर दिया, इसमें गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है, प्राप्त करने का मतलब बराबर में आपको 1/8 आ रहा है, हो गया। अब इसी को सॉल्व कर देना है आपका काम हो जाएगा, और बीच में बराबर का साइन है तो यहाँ इंप्लाइड डेट का साइन लगेगा, यही तो बोला था। एक बार फिर से देखो क्या बोला गया था, हमने वो संख्या को एक्स मान लिया था, उस संख्या में से बोला है 1/2 घटाइए, घटा दिया, और साथ में परिणाम जो एक्स माइनस दो आया इसमें 2 से 1/2 से गुना करने के लिए बोला, गुना कर दिया, जब इतना किए तो उसके प्राप्त क्या हो रहा है, 1/8, हमने बराबर में 1/8 लिख दिया यानी प्राप्त हो गया, ठीक है। चलो अब इसे क्या करेंगे, हल कर देंगे, हो जाएगा, सीखना ध्यान से, एक्स एक में गुना करेगा 1/2 हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस, एक एक से करेगा तो एक, दो दो से करेगा तो नीचे 4 हो जाएगा, बराबर में 1/8 है, ठीक है। अब क्या करेंगे ध्यान देना, 1/2 ये माइनस है, बराबर के साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 1/8, माइनस है इधर आएगा तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, x/2 बराबर 8 और 4 का एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा 8, इसको भाग देंगे एक बार में एक से और एक से करेंगे 1, प्लस इसको भाग देंगे दो बार में 2 से और 1 से करेंगे 2, ठीक है। अब क्या होगा, x/2 बराबर 2 और 1 3/8, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तिरछा तिरछी इसको गुना बोलते हैं, 8 को x ले करेंगे 8x हो जाएगा, बराबर 3 को 2 से करेंगे ये 6 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे ध्यान देना, x में 8 क्या कर रहे हैं, गुना, बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा, इसको 2 से कटा दो, 2 3 6, 2 4 8, यानी x का जो मान आया आपका, x का जो मान आया वो आ गया 3/4, वह संख्या क्या था, एक्स था ना, तो संख्या का माने हैं एक्स, यानी कहेंगे अतः वह संख्या, अतः वह संख्या क्या
क्या होगा, x बराबर 3/4 हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। समझ गए, किसी को कोई तो दिक्कत नहीं है, समझ में आया सबको ना। तो हो गया आपका प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 2A है आपका, ठीक है। एक आयताकार तरण तल का इंग्लिश में स्विमिंग पूल जानते हैं, कहते हैं, ठीक है। ऐसे आप लोग स्विमिंग पूल जानते होंगे लेकिन हिंदी नाम नहीं जाने होंगे अभी तक, लेकिन आज सीख लीजिए कि स्विमिंग पूल को हिंदी में तरण तल कहते हैं। अपने क्लासमेट से जाकर के पूछिएगा कि स्विमिंग पूल को हिंदी में क्या कहते हैं, बहुत कम लोग बता पाएगा, ठीक है। कि लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है, यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आइए, तो बहुत ईजी है, ध्यान दीजिए ना आप। क्या बोला है, बोला है कि एक आयताकार स्विमिंग पूल की लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुने से 2 मीटर अधिक है। तो आपको तो अभी नहीं पता है ना कि उसका चौड़ाई क्या है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, माना नहीं पता है तो मान लेंगे, माना तरण तल यानी स्विमिंग पूल, माना तरण तल की चौड़ाई, तरण तल की चौड़ाई हमने इसको 1 मीटर मान लिया, ठीक है। अब चौड़ाई जब 1 मीटर है, इसका लंबाई क्या बोला है कि चौड़ाई के दोगुने से 2 मीटर अधिक, यानी इसके दोगुने से 2 मीटर अधिक है। तो लिखेंगे तरण तरण तल की लंबाई, तरण तल की लंबाई क्या हो जाएगा, इसके दोगुना तो 2x, और उससे 2 मीटर अधिक यानी +2 और ज़्यादा, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब चलो, चौड़ाई पता चल गया, लंबाई पता चल गया, इसका परिमाप 154 मीटर दिया है। तो आपको याद होगा या नहीं याद होगा कोई बात नहीं, एक फार्मूला यहाँ याद करो, आयत का परिमाप, ये देखो जो फार्मूला लिख रहे हैं ना, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। एल को लंबाई बोलते हैं, बी को चौड़ाई बोलते हैं, ठीक है। एल से लेंथ होता है, बी से ब्रेथ होता है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और आयत का परिमाप आपको दिया है 154 मीटर, यहाँ से 154 मीटर दे देंगे, और ये 2 का 2, लंबाई लंबाई कितना है, एक्स, तो एक्स हो गया, प्लस चौड़ाई कितना है, 2x+2 है। समझ में आया सबको, बीच में बराबर का साइन है, 3 + 8 का साइन देना जरूरी है। अब देखो ये क्या कर रहा है, 2 गुना, बराबर में आएगा तो भाग कर देगा, ये हो जाएगा 154/2 बराबर 2x और x 3x, अब प्लस ये 2 हो गया, ठीक है। अब इसको भाग देंगे, 154 में 2 से भाग देंगे, ये 77 बार में आपका कट जाएगा, भाग देकर चेक कर लो। और यहाँ से 3x+2 हो गया। अब क्या करते हैं, ये 77, ये +2 है, इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, बराबर में 3x, 77 में से 2 जाएगा, ये हो जाएगा 75 बराबर 3x। इस 3 को इससे कटा देंगे, कितने बार में, 25 बार में ये कट जाएगा, यानी आपका x का जो मान आया वो आ गया 25, ठीक है। एक्स का मान आ गया 25, क्योंकि 25 से 75 कट गया। अब देखो तो एक्स किसको माने हो, चौड़ाई को, यानी चौड़ाई आपका है 25 मीटर, लिखेंगे अतः तरण तल की चौड़ाई, तरण तल की चौड़ाई एक्स बराबर ये हो जाएगा 25 मीटर, तथा लंबाई लंबाई कितना है, 2x+2 माने हो ना, तो देखो 2 का 2, x का मान कितना, 25, अब +2, तो 25 × 50 अब +2, ये हो जाएगा 52 मीटर। तो
चौड़ाई 25 मीटर, लंबाई 52 मीटर, ये हो गया आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसी के साथ हम लोग को कंप्लीट होता है, बहुत इजी है, बस ध्यान दोगे तो। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ठीक है, 3 क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 4.2/15 सेंटीमीटर है, तो उसकी बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। अच्छा, अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, उसमें 3 भुजा होता है और सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें पता नहीं है तो हम उसे एक्स मान लेते हैं। लिखेंगे, माना माना समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं की माप 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का जो परिमाप दिया है आपका वो दिया इतना, और त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला होता है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का जो जो समद्विबाहु त्रिभुज में भुजा दिया रहता है उन सभी का क्या होता है, योग होता है। त्रिभुज का जो परिमाप दिया आपका वो दिया है 4.2/15 बराबर, तीनों भुजा क्या है, सब तो एक्स एक्स है, लेकिन उसमें से एक भुजा दिया है 4/3, इसको लिख लेंगे 4/3, और 2 भुजा आपका एक्स और एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो अब हम क्या करते हैं, इसे हल करते हैं, बीच में बराबर का साइन है तो इंप्लाई रेट का साइन दे देंगे, 15 चौका 60, 60 और 2 जोड़ देंगे तो 62, 62/15 बराबर, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक, 3 1 1 का एलसीएम 3, भाग देंगे 1 ये 4 हो जाएगा, इसको भाग देंगे 3 बार में 3 से और एक से करेंगे 3x, इसको भाग देंगे ये भी हो जाएगा 3x। ठीक है, अब क्या करते हैं कि 62/15 बराबर 4+3x 3x 6x/3, इसको यहाँ से अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तिरछा तिरछी गुना, तो 62 को 3 से जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 186, और 15 को 1 बार 4 से और 1 बार 6 से भी करेंगे तो 15 चौका 60 अब +15 छक्का 90, 100 हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, देखो 186 और ये प्लस कर जाएगा तो माइनस बराबर 90, 100 हो जाएगा। अब 186 में से 60 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 126। ठीक है, अब बराबर 90x, अब 90 में x क्या कर रहा है, गुना, तो इसको इधर लाएंगे तो क्या कर देगा, भाग, तो 126/90 = 100 हो गया। अब इसको कटाओ तो इसको कटाएंगे, चलो 2 से कटाते हैं, 2 से कटाएंगे तो ये 45 × 90, 2 से कटाएंगे तो ये 63 से, और 2 से करेंगे 126 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 9 से कटाएंगे, 9 5 45, 9 7 63, यानी आपका यहाँ से 7/5 = 100 हो गया, यानी एक्स का मान 7/5 आ गया। अब एक्स का मान 7/5 आ गया तो देखो तो हम क्या माने हैं, हम समद्विबाहु त्रिभुज के भुजाओं का माप क्या होता है, सब एक्स माने हैं ना, एक्स मान कर चले हैं तो ये कितना हो गया, एक्स आ गया, एक्स कितना 7/5 आ गया, समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं की माप कितना होगी, 7/5, या ये पूर्णांक में दिया है तो आप इसे पूर्णांक में भी तोड़ सकते हो। ठीक है, ये जो एक्स का मान 7/5 लाए हो ना, इसे पूर्णांक में तोड़ सकते हो भाग दे करके, और कैसे तोड़ोगे और सिखा देते हैं, अभी 7 क्लास में सब सिखाए थे, 7 को 5 से भाग दो, 5 एक बार में ये जाएगा 2, तो इसे लिखेंगे, ये वाला पहले लिखा जाता है,
जो शेषफल रहता है उसको ऊपर, जिससे भाग देता है उसको नीचे, तो एक पूर्णांक 2/5 हो जाएगा, एक पूर्णांक 2/5 आ गया सेंटीमीटर। ठीक है, लास्ट में लिखेंगे अतः समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं की माप, भुजाओं की माप 1/2/5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। ठीक है, ये है आपका 4। ये क्या है कि दो संख्याओं का जोग 95 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करना है। तो देखो हमें पता नहीं है कौन संख्या है, तो उसे मानकर चलेंगे एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे माना, माना दो संख्या का बात किया है, तो पहली संख्या एक्स मान लेते हैं। माना पहली संख्या एक्स तथा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या माने, पहली संख्या से दूसरी संख्या क्या है 15 अधिक है ना, ये हो जाएगा एक्स प्लस 15। ठीक है, अब चलेंगे प्रश्न अनुसार, क्या प्रश्न बोला है प्रश्न अनुसार। प्रश्न बोला है कि दोनों संख्या ज्ञात करना है ना। प्रश्न बोला है कि दो संख्याओं का जोग 95 है, दो संख्या कौन, एक एक्स माने हो और एक एक्स प्लस 15 आ गया है, इन दोनों का जोड़ जो है वो 95 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, बीच में बराबर का साइन है तो यहाँ पर इंप्लाइड का साइन लगाएंगे, एक्स एक्स 2x प्लस 15 बराबर में 95 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो 2x बराबर ये 95 है प्लस, इधर जाएगा तो माइनस, यहाँ से 2x बराबर 95 में से 15 जाएगा, ये हो जाएगा 80। तो यहाँ से देखो x बराबर 80/2 हो जाएगा, कटा देंगे 40 बार में, यानी पहली संख्या 40 मिल गई। लिखेंगे अतः पहली संख्या 40, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या x प्लस 15 था, x का मान 40 और 15 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 55। ये हो गया आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है इसी के साथ। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, 4 हो गया ना, 5 को देखेंगे। ठीक है, दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात करना है। ये भी बहुत आसान है, जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 4 किया ना, वैसे ही क्वेश्चन 5 भी बनेगा। हम क्या करते हैं, माना संख्या पता नहीं है, तो माना पहली संख्या, पहली संख्या 5x तथा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या 3x है। ठीक है, अब हम चलेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार तो प्रश्न क्या कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। ठीक है, 5:3 है, तो पहली को हमने 5x किया, दूसरी को 3x किया, अब इन दोनों का अंतर जो है 18 है, तो लिखेंगे पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, और इनकी जो अंतर आया वो 18 है, तो यहाँ से हम पहले पहली संख्या निकालते हैं आखिर है वो क्या। ठीक है, तो
5x माइनस 3x ये हो जाएगा 2x बराबर 18। यहाँ से करेंगे x बराबर 18 बटा 2, कट किया गया 9, यानी जो पहली संख्या x बराबर आ गया 9, लिखेंगे अब यहाँ से। अतः पहली संख्या क्या माने हो 5x, तो 5 गुना 9 यानी ये हो जाएगा 45। दूसरी संख्या क्या लिए हो 3x, ये हो जाएगा 3 × 9 ये हो जाएगा 27। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, 5 भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं 6 में। ठीक है, 6 क्वेश्चन ये रहा आपका कि 3 लगातार पूर्णांकों का जो 51 है तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखो 3 लगातार बोला है, 3 लगातार पूर्णांक, तो लगातार मतलब क्या होता है? देखो लगातार का मतलब होता है कि पहला मान लो x, दूसरा x प्लस 1, x प्लस 2, ये देखो लगातार है। ठीक है, इसी को हम लोग लगातार बोलते हैं, चाहे 1, 2, 3 ये सब लगातार हुआ, x प्लस शुरू हुआ फिर 1 फिर 2, मतलब लगातार है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 3 लगातार पूर्णांकों का जो 51 है तो हम उस पूर्णांक जो लगातार पूर्णांक है उसको हम मान लेते हैं, माना 3 लगातार लगातार पूर्णांक, क्या माने एक को x प्लस वन और एक को x प्लस टू मान लिए। ठीक है, अब हम चलेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कह रहा है कि तीनों पूर्णांकों का योग कितना 51 है, तो x प्लस x प्लस वन प्लस x प्लस टू, इन तीनों का योग जो है 51 है। ठीक है, अब यहाँ से देखो x यानी ये हो गया 3x प्लस 3 बराबर 51, यहाँ से हो जाएगा 3x बराबर 51 और प्लस तो ये माइनस, यहाँ से हो जाएगा 3x बराबर 51 में से 3 जाएगा ये होगा 48, यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 48, ये गुना कर देगा तो भाग कर देगा तो कटा देंगे आ जाएगा 16। x का जो मान आ गया ये आ गया 16। अब आप माने हो 3 लगातार पूर्णांक x, x प्लस वन x प्लस टू, सबका मान भर दो, लिखेंगे अतः पहला पूर्णांक क्या हो जाएगा, x माने हो ना ये हो जाएगा 16। दूसरा पूर्णांक क्या माने हो x प्लस वन, ये हो जाएगा 16 प्लस 1 बराबर 17। ठीक है, तीसरा पूर्णांक x प्लस टू यानी 16 प्लस 2 बराबर ये हो गया 18। तो ये हो गया पहला पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक और तीसरा पूर्णांक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, नहीं है ना, बहुत इजी है सब, बस डर जाते हो झूठ में आप लोग। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। देखिए 7वीं क्वेश्चन है, 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है तो गुणजों का ज्ञात कीजिए। गुणजों को ज्ञात कीजिए, क्या है गुणज भाई साहब? देखो बहुत ईजी है, जस्ट आप क्वेश्चन नंबर 6 बनाए हो ना उस तरह से भी बनेगा। इसका लगातार गुणज लेना है, तो कैसे लगातार 8 की गुणज लेंगे? तो देखो माना 8 के 3 लगातार गुणज, एक x होगा और एक x प्लस 8 होगा, तथा
एक हो जाएगा एक्स प्लस 16, इनका लगातार है। ठीक है, हमने इसको लगातार ले लिया। अब प्रश्न क्या कहा है लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या बोला है, प्रश्न तीनों लगातार गुणजों का योग, इन तीनों को योग करो, एक्स एक्स प्लस 8, एक्स प्लस 16 बराबर कितना दिया, 888। बीच में बराबर का साइन है, मल्टीप्लाई डॉट का साइन देना जरूरी है। अब देखो जोड़ देंगे तो 3x हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, 16 8 24 बराबर 888। अब क्या करेंगे, 3x बराबर 888, और प्लस इधर जाएगा तो माइनस, यहाँ से देखो 3x बराबर 888 में से 24 जाएगा कितना आएगा, 864 आ जाएगा। x में तीन गुना कर रहा है, बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा, 864 बटे 3 कटा दो, 3 दूना 6, 3 आठ 24, 3 दूनी 3 आठ 24 नहीं 3 आठ 24 होगा, 3 दूना 6 अरे हो गया 26, तो हो गया 8 बार में जाएगा और ये हो गया 24, 3 आठ 24 288 बार में कट जाएगा। ठीक है, यानी आपका x का मान जो आया 288 आ गया। तो लिखेंगे अतः 8 का पहला गुणज, पहला का तो x माने हैं तो ये हो जाएगा 288। दूसरा गुणज उसको माने हो x प्लस 8, ये हो जाएगा 288 प्लस 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 296। तीसरा गुणज x प्लस 16, ये हो जाएगा 288 प्लस 16 बराबर 304। ये आपका कंप्लीट हो गया 7 नंबर भी। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक आप लोगों को सभी प्रश्न समझ में आए होंगे, और जिनको क्लास 8वीं की पूरी मैथ पढ़नी है होल कोर्स, ठीक है, मात्र 499 रुपये लगेगा, पूरा ऐप पर पढ़ाया जाता है, जिनको पढ़ना होगा इस नंबर पे कॉल करेंगे 8383896119। आपके घर में जो भी होंगे मम्मी पापा भैया, तो उनसे कॉल करा के बात करा लीजिएगा कैसे पढ़ना है उसमें। देखो 499 रुपये लगेगा, लेकिन इसमें क्या क्या मिलेगा ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो आपको ऐप पर, मेरा खुद के ऐप पर पूरा फुल कोर्स आपको मैथ पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, पूरा गारंटी लेते हैं मैथ कंप्लीट कराने के लिए, कितना भी आपका मैथ वीक हो। साथ में आपको नोट्स भी मिलेगा, पूरा 8 क्लास का पूरा नोट्स मिल जाएगा। साथ में कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो वीडियो कॉल या कॉल पर आपको अलग से डाउट भी समझाया जाता है। तो ज्वाइन करना होगा तो इस नंबर पर कॉल करके सर से बात करो कैसे पैसा पे करना है। ठीक है, हाँ, कॉल या मैसेज वही लोग करेंगे जिनको जुड़ना है मेंबरशिप में, वही लोग कॉल या मैसेज करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।